हेलो, वेलकम टू स्टडी फोरम। स्टडी फोरम में गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग आईटी लिटरेसी से क्वेश्चन कर रहे हैं जो एलपी रेलवे एलपी एंड टेक्नीशियन में एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और जेई के भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। चूँकि बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है आपके लिए, छोटा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या हो, यदि आप कंप्यूटर चलाते होंगे थोड़ा बहुत आपको पता होगा। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, इसमें से आप करेक्ट आंसर अभी भी बता सकते हैं। ऑप्शन ए आइकन, अ फाइल मैनेजर, अ ब्राउज़र। तो इसमें आपका आंसर होता है सी, इज अ राइट आंसर, ब्राउज़र होता है। सी, ब्राउज़र इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू आई नीड टू गेट ऑन टू द इंटरनेट? ठीक है, कह रहा है कि हमें इंटरनेट चलाने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर के बिल्कुल ज़रूरत होगी। मॉडम का हमें इसलिए ज़रूरत होगी नेट चलाने के लिए, कनेक्शन करना, कनेक्टिविटी के लिए। ब्राउज़र इसलिए कि हम कोई चीज़ सर्च करना चाहें, जैसे आप किसी सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी फूड के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में। तो ये ऑल ऑफ द एबव इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ एन ISP? ISP का फुल फॉर्म क्या होता है गाइज? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ISP क्या होता है, आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। FTP इज एन एक्रोनिम फॉर्म। ठीक है, FTP का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, TCP/IP मॉडल कंसिस्ट ऑफ। TCP/IP मॉडल जो होता है वो क्या, यानी कि किसमें, इसमें कितनी लेयर्स होती हैं? तो गाइस TCP/IP में 4 लेयर होती हैं। एक होता OSI, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, इसमें 7 लेयर्स होती हैं। ठीक, इसमें TCP/IP में क्या होता है, 4 लेयर्स होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कंट्रोल ए इज़ फॉर मतलब ये है कि यदि आप डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हो, कभी आप अपने कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हो कुछ चीज़ वर्ड फाइल पे, तो MS Office के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पे डॉक्यूमेंट्स में जब करते हैं, तो कंट्रोल ए करता क्या है? कंट्रोल ए से क्या करता है कि जो कुछ भी आप लिखे रहते हैं वो क्या होता है, पूरी तरीके से सेलेक्ट हो जाता है, पूरा का पूरा एरिया आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कंट्रोल एस इज़ फॉर। कंट्रोल एस किस लिए यूज़ करते हैं? तो कंट्रोल एस चलते गाइस पता है, हम सेव करने के लिए, कोई चीज़ आप लिख रहे हो या कोई चीज़ आप सिस्टम में चला रहे हो या कर रहे हो, तो उसको सेव करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल एस दबा देंगे तो आपका सेव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉम स्टैंड्स फॉर। रॉम का फुल फॉर्म क्या होता है, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ क्वेश्चन को। रॉम का फुल फॉर्म होता है, आप देखिए, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस कनेक्ट लैंड टू इंटरनेट। कह रहा है इसमें से कौन सी डिवाइस है जो लैंड को इंटरनेट से कनेक्ट कराता है? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, SIM, सिम मीन्स। सिम का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपका, तो सिम का फुल फॉर्म हो जाएगा गाइज आपका सी इज राइट, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ईमेल सेंडिंग, यानी सेंडिंग एन ईमेल इज अ सिमिलर टू, यानी ईमेल भेजना किस तरीके का है, कैसे सिमिलर है? ईमेल भेजना एक तरीके से लेटर लिखने के जैसा है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू टू स्टार्ट द स्लाइड शो। स्लाइड को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या करना होता है? तो क्लिक ऑन स्लाइड शो आइकन। स्लाइड शो आइकन जो होते हैं PPT में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, वहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आपका स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रिंट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेस, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए आपको क्या यूज़ करते थे? कंट्रोल पी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, शॉर्टकट की यूज़ फॉर सब स्क्रिप्ट के लिए कौन सा हम इसमें यूज़ करते हैं?
ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस इक्वल का हम यूज़ करते हैं, तो सबस्क्रिप्ट का यूज़ होता है। अब है शॉर्टकट कीज़ फॉर द सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या करते हैं, तो उसका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस का यूज़, इक्वल का यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट द हाइपर लिंक इन डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में हाइपर लिंक प्रोवाइड करने के लिए हम कौन सा इसमें कमांड्स यूज़ करते हैं, शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो वो होता है कंट्रोल के। के आप याद रखिए, कभी कंट्रोल एच नहीं करेंगे आप, जैसे हम कर रहे कंट्रोल एस फॉर सेव फॉर एस कर दिया, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, कंट्रोल के जो करते हैं हाइपर लिंक के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन डिलीट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर, सॉरी डिटेक्ट है, वी कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर बाई, यानी कि हम स्पेलिंग और ग्रामर जो कभी टाइप कर रहे हो वर्ड फाइल पे, कुछ गलत हो गया, कोई वर्ड गलत हो गया, उसकी स्पेलिंग आपको चेक करनी है, स्पेलिंग या ग्रामर क्या होगा इसका, उसमें हम कौन सा पी की यूज़ करते हैं, तो F7 आप यूज़ कर दिए, आपको बता देगा कि क्या है इसकी करेक्ट स्पेलिंग। शॉर्टकट की फॉर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कंट्रोल डी इज अ राइट आंसर। शॉर्टकट की फॉर द फाइंड रिप्लेस डायलॉग्स बॉक्स, तो रिप्लेस डायलॉग्स बॉक्स यूज़ करने के लिए हम क्या इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो गाइज ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, कंट्रोल प्लस एच। विच शो द नेम ऑफ द फाइल, ठीक है, तो नेम ऑफ द फाइल, कोई भी फाइल आप चला रहे हो अपने सिस्टम या लैपटॉप में कभी ओपन करते हो, तो उसमें फाइल नेम जो होता है वो कहाँ शो होता है, तो वो शो होता है गाइज टाइटल बार में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ओपन प्रिंट एंड सेव डिस्प्ले ऑन, ठीक है, ओपन प्रिंट एंड सेव डिस्प्ले ऑन द किस पे, जो भी ओपन का ऑप्शन होता है, प्रिंट का ऑप्शन होता है, सेव का ऑप्शन होता है, डिस्प्ले ऑन कहाँ पे होता है, स्टैंडर्ड टूल बार में होता है। फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज, बोल्ड, अंडरलाइन, बुलेट, अलाइनमेंट, डिस्प्ले ऑन, कह रहा है कि फॉन्ट टाइप जो होता है, फॉन्ट साइज जो होता है, बोल्ड जो होता है, अंडरलाइन या बुलेट, ये सारे टैग या सारे ऑप्शन कहाँ पे आपको मिलते हैं, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटेशंस मेड ऑन, देखिए प्रेजेंटेशन जब भी हम बनाते हैं किस में बनाते हैं, पावर पॉइंट में बनाते हैं, वर्ड में, एक्सेल में, देखिए पावर पॉइंट पे हम हमेशा प्रेजेंटेशन बनाते हैं, वर्ड में हम क्या करते हैं डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, पावर पॉइंट्स में हम स्लाइड्स या प्रेजेंटेशन बनाते हैं, एक्सेल में हम करते हैं क्या है स्प्रेडशीट बनाते हैं, यानी कि हम अपना कैलकुलेशन का काम करना हुआ, बैंकिंग का काम करना हुआ, बैलेंस शीट का काम करना होता है, तो हम इस पे काम करते हैं। स्लाइड्स प्रिपेयर्स इन, अब फिर से क्वेश्चन, स्लाइड्स किस में बनाए जाते हैं, पावर पॉइंट में बनाए जाते हैं। देखिए रेलवे के लिए आपको बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा यार, ऐसे ही बेसिक्स क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं करेंगे आपसे, क्यों, क्योंकि वो भी जानते हैं कि टफ क्वेश्चन करने का कोई मतलब होता नहीं है, रीज़न ये है कि आपसे एक ELPO टेक्नीशियन बनाया जा रहा है, वहाँ पे कंप्यूटर तो चलाया नहीं जाएगा आपसे, जो भी ELP है तो ट्रेन चलवाए जाएंगे आपसे, लोको पायलट बनेंगे आप, या टेक्नीशियन में अगर जाते हैं तो डिपार्टमेंट में, अगर उनके जैसे टेलीकॉम डिपार्टमेंट हो गया वहाँ जाते हैं तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर का काम आता है, अदरवाइज़ कंप्यूटर के ज़्यादा डिटेल्स में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फुल फॉर्म ऑफ DBMS, DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गाइज ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ WWW, WW का फुल फॉर्म, WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, बी इज अ राइट आंसर, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन फुल फॉर्म ऑफ IP, IP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ URL, URL का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL होता क्या है गाइज, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो आप कोई वेबसाइट आप नेट चलाते हैं कभी देखिए, ब्राउज़र ओपन करिए, वहाँ पे जो एड्रेस लिख के आता है वही एक तरीके का URL कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मदरबोर्ड कंटेंस वेरियस, मदरबोर्ड होता क्या है, देखिए जैसे आपका मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन में भी मदरबोर्ड होते हैं जहाँ पे सारे चिप्स लगे होते हैं, आपके सर्किट्स लगी होती हैं, आपकी ICs लगी होते हैं, कैपेसिटर, रजिस्टर्स, और जो भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जहाँ लगे होते हैं उसको हम मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है। तो मदरबोर्ड क्या क्या कंटेंट करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट,
तो ये आपका बी इज़ द राइट आंसर, इंटीग्रेटेड सर्किट इस पे होती हैं, सारा वहीं लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, डॉट डी ओ सी एक्स डॉक्स इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर। देखिए डॉक नाम ही आ रहा है, तो हमने बताया था डॉक जो होता है वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है, पीपीटी का होता है पी डॉट पी पी टी एक्स, नया वर्जन है पीपीटी एक्स का। एक्सेल का होता है डॉट एक्स एस एल, ठीक है, ये होता है। वर्ड का होता है आपका डॉक हो जाता है। तो गाइज ये 30 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा तो उसको लाइक करते चलिएगा और दोस्तों तक शेयर करते रहिए कि दोस्त भी हो जाए आपका, क्वेश्चन अच्छे खासे मिलेंगे आपको। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, कोई भी सब्जेक्ट हो वो, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर हम ज़रूर वीडियो लेके आएंगे। बहुत जल्दी 1 से 2 वीडियो और हम लेके आएंगे आईटी लिटरेसी का, जो कि पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा। डिटेल में आप कंप्यूटर के बारे में देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिएगा, बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड है कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे आप अगर बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो कंप्यूटर पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।